तरफ ईडी समन पर समन भेजे जा रही है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के बुलावे को इग्नोर कर रहे हैं। 5 समन भेजे जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री हाजिर होने के लिए राजी नहीं है। जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सताने लगा है? क्या उन्हें भी हेमंत सोरेन की तरह कुर्सी जाने का खतरा मंडराता दिख रहा है? दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता तो पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं, और पिछले 1 हफ्ते में बिहार झारखंड में जो कुछ बदलाव हुए उससे देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं केजरीवाल को ईडी की जांच से अब डर तो नहीं लगने लगा। समन पर समन, एक के बाद एक 5 समन, लेकिन ईडी के 5वें समन के बावजूद हाजिर नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। बुलावा आया था ईडी के ऑफिस से, लेकिन पहुंच गए बीजेपी ऑफिस के बाहर और करने लगे केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर क्यों नहीं हो रहे, ईडी के सामने हाजिर होकर अपनी बात क्यों नहीं कह रहे? कहीं केजरीवाल को जेल जाने का डर तो नहीं सता रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की सियासी गलियों की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो देश के कई प्रदेशों के सीएम या पूर्व सीएम ईडी के रेडार पर हैं। 31 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी लंबी पूछताछ हुई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से भी ईडी ने सवाल जवाब किए और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी की ओर से समन पर समन दिया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल हाजिर होने की बजाय बहाना बनाकर समन को टालते रहे, इसे मोदी सरकार का समन बताते रहे और अब तो विरोध करने सड़क पर उतर आए। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या विरोध करने से आरोप कमजोर हो जाएंगे या फिर ईडी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन पार्टी की तरफ से यह कहकर मना कर दिया गया कि उनके गिरफ्तारी के इरादे से समन भेजा जा रहा है। इसके पहले भी केजरीवाल को 4 बार ईडी ने समन भेजा। पहला समन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा 21 दिसंबर को, तीसरा पिछले महीने की 3 जनवरी को, चौथा 17 जनवरी को और 5वीं बार 2 फरवरी को ईडी ने समन भेजा। लेकिन ना तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर हुए और ना ही किसी तरह का कोई जवाब दिया सिवाय केंद्र की सरकार पर हमला बोलने के। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा उसको किसी ना किसी षड्यंत्र में फंसाकर जेल में भेजा जाएगा, और अभी और कई अपोजिशन के नेताओं को इस 2024 के चुनाव से पहले जेल में भेजेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बात का विरोध करते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक्ट को समर्थन नहीं देते, उसके विरोध में आप हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2021-22 की जिस आबकारी नीति से संबंधित मामले में सीएम केजरीवाल को हाजिर होना था, उसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है और इसीलिए वो ईडी के सामने हाजिर नहीं होना चाहते। इसी बात को लेकर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल का एक पोस्टर पोस्ट करते हुए इन्हें करप्शन का बेताज बादशाह बताया कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, आज एक बार फिर से वो ईडी के समन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला, हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। आज समन पर समन जा रहा है तो जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं।
चोर की मूंछ में तिनका क्यों है? यदि आपने चोरी नहीं की तो घबराते क्यों हैं? ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनका नारा बन चुका है, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार। कोई पकड़े मुझे या कोई इंक्वायरी हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड। एक तरफ ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबानी जंग चल रही थी, तो वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने आपके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंच गए। यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं है, हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए। भारत में उच्च शिक्षा की बात करें तो वडोदरा स्थित पारुल यूनिवर्सिटी का नाम जहन में जरूर आता है। एक जीवंत कैंपस लाइफ के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी छात्र और छात्राओं के टॉप चॉइस के रूप में उभर रही है। प्रेसिडेंट देवांशु पटेल पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में और जानकारी साझा करेंगे, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। पारुल यूनिवर्सिटी जो गुजरात में बड़ोड़ा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको गुजरात स्टेट एक्ट में यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है, इस यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्वायत्त संस्था है उसने नैक ए प्लस प्लस का ग्रेडिंग दिया हुआ है। पूरे भारत में कुल 1113 यूनिवर्सिटीज हैं और इन यूनिवर्सिटीज में से फक्त 1.8% यूनिवर्सिटीज को नैक ए प्लस प्लस का ग्रेड मिला है। तो ये बताता है कि यूनिवर्सिटी का क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है, क्वालिटी का लेवल क्या है, और ये बताता है कि पारुल यूनिवर्सिटी में अभ्यास कर रहे छात्र शिक्षक और पारुल यूनिवर्सिटी की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनके प्लेसमेंट्स, उनके स्टार्टअप्स और बच्चों के एब्रॉड एजुकेशन के स्कोप, इसका ये एक क्वालिटी बेंचमार्क है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में जो 1113 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी इनोवेशन रिसर्च और स्टार्टअप के बेस पे रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी का टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो पूरे देश में है उसमें समावेश किया गया है। इसका मतलब ये है कि पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च के लिए एक श्रेष्ठ कल्चर उपलब्ध है, जिसकी वजह से पारुल यूनिवर्सिटी में से हर साल काफी सारे बच्चे अपने स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, और सिर्फ स्टार्टअप शुरू नहीं करते हैं लेकिन उनको उनके स्टार्टअप्स के लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। पारुल यूनिवर्सिटी में रिसर्च का भी बहुत ही अच्छा कल्चर डेवलप किया है, जिसकी वजह से छात्रों और शिक्षकों के रिसर्च प्रोफाइल काफी इम्प्रूव होते हैं और जिसका पूरा बेनिफिट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट आउटकम और स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स में इसकी असर देखी जाती है। को लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही है और इसे लेकर बनी हाई लेवल कमेटी ने आज दिल्ली में सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीआईआई के अध्यक्ष और दिनेश मौजूद रहे। वहीं उद्योग विकास के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई ने एक देश एक चुनाव को अपना समर्थन दिया। सीआईआई ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराना राज्य और राष्ट्र के स्तर पर चुनावों की प्रक्रिया को समकालीन बनाएगा। सीआईआई ने कहा कि आर्थिक विकास के नजरिए से भी एक देश एक चुनाव करवाना फायदेमंद होगा। सरकार के कामकाज की योग्यता बढ़ने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। सीआईआई 2012 से ही भारत में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर रहा है। साल में कई बार चुनावों के होने की वजह से नुकसान बताते हुए सीआईआई ने कहा है कि इससे सरकारी नीतियों पर भी असर पड़ता है। नीतियां देर से लागू होती हैं, अनिश्चितता बनी रहती है, समय की बर्बादी के इलेक्शन ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के काम में भी बाधा आती है।